हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज वेलकम बैक टू माय चैनल आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेबीज़ के बर्पिंग के बारे में जनरली जो मैंने अपने आसपास नोटिस किया है न्यू मॉम्स को जो न्यू मदर्स होती हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चे को किस तरीके से बर्प करवाई जाए या फिर वॉट इज द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस बर्पिंग हम बच्चे को पूरा बर्पिंग फीड कराने से पहले बर्ब करवा रहे हैं फ़ीड कराते टाइम बर्ब करवा रहे हैं फीड कराने के बाद बर्ब करवा रहे हैं बट वॉट इज द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस बर्पिंग तो आज मैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेरीज uh, के आंसर लेकर आई हूँ जो आपको इस पूरे प्रोसेस में बहुत हेल्प करने वाले हैं ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जब मैं आ, मदर बनी थी अपना तो मुझे भी एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी किस तरीके से अपने बच्चे को बर्ब करवानी है मुझे नहीं आता था अपने बच्चे को बर्ब करवाना बट मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी मुझे बेसिकली सिखाया था किस तरीके से अपने बच्चे को बर्ब करवाना है क्या टेक्निक है क्या प्रोसीजर और हम बर्व क्यों करवा रहे हैं तो अभी बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में सारे क्वेश्चन के बारे में तो लेट्स गेट स्टार्टेड इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमें अपने बच्चे को बर्प क्यों करवानी है वाई टू बर्प योर बेबी वॉट इज द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस बर्पिंग होता क्या है जब बच्चा मिल्क पीता है फीड लेता है तो मिल्क के साथ साथ वो एयर भी सोलो कर लेता है और जब वो एयर बच्चे की टमी में जाती है तो वो क्या ट्रैप हो जाती है और वो जो एयर बबल्स होते हैं वो गैस्ट्रिक का रीज़न बनते हैं वो गैस प्रोड्यूस करते हैं बच्चे के पेट में और जो अगर वो पेन करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाती है बिकॉज़ वी ऑल नो कि गैस का जो पेन होता है गैस्ट्रिक का पेन होता है एसिडिटी का पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा यू नो पेनफुल होता है बच्चे को बहुत दर्द देता है बच्चा बहुत क्राई करता है तो बेसिक रीजन जो होता है इस बर्पिंग का वो ये होता है जो ट्रैप्ड एयर है उसे हम 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 बर्प बर्प के 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 थ्रू 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 जिसे हम कहते हैं डकार डकार हिंदी में हम के बर्प के बच्चे माउथ से वो एयर बाहर निकाल सकें तो ये एक मेन रीजन होता है हम अपने बच्चे को क्यों बर्प करवाते हैं क्यों डकार दिलवाते हैं आपने अपने आप को भी कभी नोटिस किया होगा जब हम खाना खा लेते हैं खूब अच्छे से पेट भर लेते हैं अगर हमें उसके बाद बर्प आ जाए डकार आ जाए हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं जो आपकी जो ट्राप्ड एयर है टमी में जो ट्राप्ड एयर है वो निकल जाती है तो बहुत रिलैक्स फील होता है बॉडी को हमारी बहुत अच्छा लगता है सेम विद बेबीज जब हम बच्चे को बर्ब करवा देते हैं डकार दिलवा देते हैं उनकी जो ट्राव्ड एयर है जब वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाती है तो बच्चा भी बहुत रिलैक्स फील करता है और बच्चे को ये जो गैस्ट्रिक की एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उससे वो बिल्कुल नहीं होती है सो ये तो एक रीज़न हो गया हमें अपने बच्चे को वर्क क्यों करवानी है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द टेक्निक्स जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे को बर्ब करवाने के लिए सो so, इसमें बेसिकली दो टेक्निक होती हैं सबसे पहले टेक्निक ओवर द शोल्डर सेकेंड इज ऑन द लैप तो सबसे पहली जो है ओवर द शोल्डर उसमें आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने बच्चे को इस तरीके से अपने गोद में लेना है ये आप बैठ के भी कर सकते हैं खड़े होके भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको अपने बच्चे को गोद में लेना है याद रखें बच्चे बहुत अच्छे से रेस्टिंग पोजीशन पे होने चाहिए बिकॉज़ बच्चा बहुत डेलिकेट होता है बहुत सॉफ़्ट होता है बच्चे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चे का जो सर है बेसिकली वो इस तरीके से आपके शोल्डर पर रेस्ट करता हुआ होना चाहिए बच्चा बहुत कंफर्टेबल uh, होना चाहिए बच्चे को बिल्कुल भी, भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका नेक है ये आपका टमी है आपको ना तो नेक को पैट करना है ना ही आपको टमी को पैट करना है आपको सिर्फ जो नेक के जो नीचे वाला ये वाला एरिया होता है नेक के नीचे आपको यहाँ पर बेसिकली पैट करना है इस तरीके से जेंटल पैट करिएगा बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ मत करिएगा बिकॉज बच्चा बहुत डेलिकेट होता है तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है आप जेंटल टैप जेंटल पैट करिए वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री ना ही आपको स्टमक पे करना है ना ही आपको नेक पे करना है नेक से थोड़ा सा नीचे करना है जेंटल पैट करना है ज़्यादा हार्ड ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है और आप बहुत आराम से करें वन टू थ्री वन टू थ्री और आपका जो हैंड का जो आपका पॉश्चर होना चाहिए आप दो तरीके से वो ट्राई कर सकते हैं आइदर कप शेप लाइक like दस आप जो आपके बच्चे को सूट करे, आप उस हिसाब से कर सकते हैं लाइक दस पैट लाइक कप शेप वन टू थ्री वन टू थ्री और आइदर आप फ्लैट अपना हैंड यूज़ कर सकते हैं वन टू थ्री वन टू थ्री आप इसमें नोटिस करिएगा जिसमें आपका बच्चा जल्दी बर्ब ले ले जिसमें बच्चे को इजी हो आप वो उनमें से कोई भी हैंड का पोजीशन ले सकते हैं आइदर कप और फ्लैट. और अभी क्या करना है आपको इस तरीके से जब आप एटलीस्ट टेन टाइम्स कर लें वन टू थ्री वन टू थ्री उसके बाद बच्चे की बैक को अच्छे से रब करना है रब करने के बाद वापस स्टार्ट करें वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री उसके बाद फिर रब करें एटलीस्ट टेन टाइम्स आप वन टू थ्री वन टू थ्री करें उसके बाद रब करें फिर नेक्स्ट टेन टाइम्स फिर रब फिर नेक्स्ट टेन टाइम्स पैट एंड देन फिर रब उससे क्या होगा रब करने से क्या है बच्चे को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा आप नोटिस करेंगे इस तरीके से आपका बच्चा बर्क कर देगा और इफ़ इन केस अगर बच्चा बर्ब नहीं करता है तो अगर आप इस प्रोसीजर को फाइव टू सेवन मिनट्स करते हैं इट इज़ लाइक इनफ आपके बच्चा मतलब अच्छा से रिलैक्स फील करेगा नेक्स्ट पोजिशन इज ऑन द लैब ऑन द लैब भी आप दो तरीके से कर सकते हैं इसमें सबसे पहला पोजिशन आप इस तरीके से अपने बच्चे को बिठाएं। आपको बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली बच्चे का नेक और बच्चे का चेस्ट दोनों बहुत अच्छे से होल्ड करना है बहुत संभाल के अपने बच्चे को बिठाना है उसके बाद बच्चे को आपको बर्ब करवानी है लाइक दिस वन टू थ्री वन टू थ्री टेन टाइम्स वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री एंड वन देन आपको रब करना है बच्चे का बैक रब करना है उसके बाद वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन टेन टाइम देन अगेन बच्चे के आपको बैक को रब करना है इस तरीके से आप फाइव टू सेवन मिनट्स अपने बच्चे को बब करवाएं पूरा ये जो प्रोसीजर है फाइव टू सेवन मिनट्स तक करें उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन जो होती है ऑन द लैब की वो इस तरीके से होती है इस तरीके से आप अपने बच्चे को लिटाएं बच्चे का जो फेस है बच्चे की नेक है प्रॉपर से होल्ड करें उसके बाद वन टू थ्री वन टू थ्री एंड देन रब द बैक इस तरीके से आप ये जो तीन तरीके हैं बेसिकली uh, एक तो आपका ओवर द शोल्डर हो गया दूसरा आपका ऑन द लैप में दो टेक्निक्स हो गई दो तरीके हो गए किस तरीके से आप करवा सकते हैं तो इस इन ये सारी जो टेक्निक्स हैं आप इस तरीके से अपने बच्चे को अच्छे से करवा सकते हैं और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी टेक्निक समझ में आई हो और आप बेसिकली इस वीडियो को अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर करिएगा बिकॉज अब मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी मुझे भी चीज़ें ज़्यादा नहीं पता थी मेरे हस्बैंड को भी चीज़ें ज़्यादा नहीं पता थी हम दोनों ने ही अपनी लर्निंग बेसिकली बहुत फ़ास्ट करी से फ़ास्ट करी थी जिससे हम चीज़ों को सीखें और तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ये वीडियो अपने अपने हस्बैंड को भी दिखा सकते हैं बिकॉज अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो आपके हस्बैंड बेसिकली uh, बच्चे को बर्ब करवाते होंगे तो आप अपने हस्बैंड के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं उन्हें भी बता सकते हैं कि, कि किस तरीके से बच्चे को बर्फ करवानी है तो दीज आर द बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको किस तरीके से अपने बच्चे को बर्ब करवानी है बट जब आप धीरे 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 जब इसको अपना डेली प्रैक्टिस में लेकर आएंगे डेली आप अपने बच्चे को बर्ब करवाएंगे तो कुछ टाइम बाद आप इसमें भी एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे किस तरीके से बच्चे को बर्ब करवानी है कब करवानी है कैसे करवानी है और धीरे 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 आप लोग भी सब कुछ सीख जाएंगे तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो मेरा ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें अपना कॉमेंट जरूर करें सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो हैल्दी स्टे फिथ अ ग्रेट डे मॉमीज